हेलो व्यूवर्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं और आप ये देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर सा ये मेरे पास पौधा है। इस पौधे का नाम है ट्राइडस्केंशिया सेलामोंटेना। बहुत ही प्यारा पौधा है, इसे वाइट गुजामर भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इसको रखना है, क्या लाइटिंग कंडीशंस हैं, वाटरिंग कैसे करना है, खाद कब कब दें और साथ ही साथ इसकी प्रोपगेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस प्यारे से पौधे के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा पौधा है ये। बहुत ही डिफरेंट टेक्सचर होता है, आप इसकी पत्तियों को देख सकते हैं, इसकी पत्तियां काफ़ी डिफरेंट होती हैं। ये देखिए, इसकी ये जो पत्तियां होती हैं कुछ ग्रीन कलर की होती हैं और इस पर ये रुई जैसा कुछ वाइट कलर का टेक्स्चर, कुछ जाला टाइप बना हुआ होता है और इसकी वजह से ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसके पत्ते काफ़ी डिफरेंट होते हैं, कुछ ग्रीनिश कुछ ग्रेश टाइप के होते हैं एंड इट लुक्स वेरी नाइस। ये जो पिंक कलर के गुलाबी रंग के इसमें फूल आते हैं ये इस पौधे को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं और इसकी पत्तियां तो खैर खूबसूरत होती ही हैं, बट आप देख सकते हैं इसके फूल, जब से ये पौधा जब मैच्योर हो जाता है तो इसके पत्तों के बीच में यहाँ पर टॉप पर ये फूल खिल के आता है और ये ओवरऑल जब ये सारे पौधे में इस तरह के फूल खिले हुए होते हैं तो इट लुक्स वेरी नाइस। तो ये पौधा एक्चुअली सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। तो हम सब जानते हैं कि सक्यूलेंट्स को मेंटेन करना एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट कई बारी धूप और पानी गलत जगह पे रख दें और इसमें ओवर वाटरिंग करने लग जाएं तो इसकी वजह से इसके पत्ते भी ख़राब हो जाते हैं, स्टेम्स भी गल जाती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पौधा लगभग 2 से 2.5 फीट तक लंबा हो जाता है, आप ये देखिए। और इसको मैंने यहाँ पे सपोर्ट के लिए ये एक स्टिक लगाई हुई है जिसके सपोर्ट से ये ऐसे खड़ा है, अदरवाइज़ ये इस तरह से लगी हो जाते हैं, काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये कैसे नीचे की ओर झुकता चला जाता है। तो आपको किस तरह का लुक देना है ये दिस इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहें तो किसी भी सिरामिक प्लांट में इसको लगा के छोटा छोटा रख सकते हैं, छोटा छोटा आप कटिंग लगा दें तो वो उसकी पत्तियां और जब फूल आएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। या फिर आप चाहें तो इस तरह से लंबा भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी कटिंग अपने गार्डन में लगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं, पार्टीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गार्डन में भी चाहे वो क्यारियों में लगाएँ चाहे इसे आप इस तरह के प्लांटर में लगाएँ, ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा पौधा है ये। इस पौधे को आप धूप में और छाए में दोनों जगह रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको एक पेड़ है यहाँ पे मेरे गार्डन में, ये पूरा पेड़ है यहाँ पे चारों तरफ पेड़ है, तो पेड़ के नीचे मैंने ये सिरेमिक प्लांटर में रखा हुआ है जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहती है। तो अभी गर्मी का सीज़न है तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में मैं एक्सपोज नहीं करती हूँ। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसे रखेंगे गर्मी की चिलचिलाती धूप में तो इसके पत्ते ब्राउन हो जाते हैं और जलने लगते हैं। तो ऑल दो इस पौधे को आप बड़े आराम से धूप दे सकते हैं लेकिन एकदम डायरेक्ट हार्श सनलाइट देंगे तो ये पौधे को नुकसान करेगा और पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट देंगे तो इसके ऊपर आप जो देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो रुई जैसा जाला बन के आया हुआ है ये काफ़ी अच्छे से फॉर्म होगा। अगर आप छाए में रखेंगे तो इसका जो ये जाला बन रहा है इसके ऊपर, ये जो वेब टाइप है रुई जैसा टेक्स्चर है, ये फिर इसमें कम आता है। तो धूप इसके लिए ज़रूरी है लेकिन आप इनडायरेक्ट सनलाइट दें, एकदम ही डायरेक्ट स्कॉचिंग लाइट आप देंगे तो जैसे आप देखिए ये पत्ता थोड़ा ब्राउनिश हो गया है और ये धीरे धीरे करके फिर जल भी जाता है। तो इस तरह से आपने ख्याल रखना है कि थोड़ा आपने एकदम डायरेक्ट स्कॉचिंग चिलचिलाती धूप में ना रखें। लेकिन जैसे सर्दियाँ आएँगी तो सर्दियों की धूप आप इसे ज़रूर दें, सर्दियों की धूप इसके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वो गुनगुनी धूप होती है, एकदम चिलचिलाती धूप नहीं होती है। तो उसमें आप इसे ज़रूर धूप में एक्सपोज कर सकते हैं पूरे दिन, फिर सर्दियों में भी आपका ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा। जहाँ तक कि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट है, आप देखिए इसमें ऑलरेडी पानी, इसकी मिट्टी गीली है, इसे मैंने 2-3 दिन से पानी दिया नहीं हुआ है क्योंकि अभी काफ़ी बारिश भी हो रही थी 3-4 दिनों तक, तो इसमें थोड़ा पानी चला गया है बारिश का और उसके अलावा मैंने ऊपर से कोई पानी नहीं दिया है। तो आप भी डिपेंडिंग ऑन कि आपके एरिया में धूप कैसी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी अगर ड्राई हो रही है और आपको लग रहा है कि एकदम हार्ड हो गई है तो आप इसे भर के पानी दीजिए, नहीं तो फिर आप इसे 3-4 दिन तक पानी अवॉइड कर सकते हैं। सक्यूलेंट फैमिली का पौधा है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्टेम्स देखिए एकदम डेलिकेट होती हैं, तो अगर जैसे आप इस पर जब भी पानी वगैरह दें या इसमें गुड़ाई वगैरह करें तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ये जो स्टेम्स हैं इनकी बहुत डेलिकेट होती है, खट से टूट जाती हैं। तो खैर स्टेम अगर टूट जाए तो कोई बात नहीं, आप उसे मिट्टी में दबा दें, नए पौधे के फॉर्म में वो ग्रो हो जाएगा।
तो ये रहा इसका वाटर रिक्वायरमेंट। सर्दियों में तो आप और रुक के पानी दीजिए, हफ्ते में भी एक बार पानी देंगे तो भी चल जाएगा। आप देखिए पहले मिट्टी अपनी ज़रूर चेक करिए। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये मैं अपने एरिया के हिसाब से दे रही हूँ, तो आपको ज़रूर चेक करना है कि आपके एरिया में एनवायरनमेंट कैसा है। बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, उसके हिसाब से। तो आपको पानी देने से पहले थोड़ा इसकी मिट्टी ज़रूर चेक करनी है कि इसकी मिट्टी कितनी मॉइस्ट है और कितनी ड्राई है। इसको बहुत ज़्यादा ये डिमांडिंग पौधा नहीं है, काफ़ी लो मेंटेनेंस वाला पौधा है। चाहें तो इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं महीने दो महीने पे। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, ये पूरे पौधे की मिट्टी चेंज कर देती हूँ थोड़े टाइम के बाद। तो जैसे एक डेढ़ साल हो जाएगा तो मैं इसकी पूरी की पूरी मिट्टी चेंज कर दूँगी। मेरे पास अच्छा खासा गार्डन है और गार्डन की सॉइल भी बहुत न्यूट्रिशियस होती है, तो मैं बस इसकी मिट्टी चेंज कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो आप चाहें तो किसी भी नर्सरी में बड़े आराम से वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। चाहें तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट इसमें मिट्टी में ऐसे ही डाल दें और फिर जैसे जैसे आप पानी डालेंगे पानी के साथ वो वर्मी कंपोस्ट अपना असर दिखाएगा ही और पौधा आपका हेल्दी और एकदम ब्यूटीफुल रहेगा। और ये इतने प्यारे इसमें फूल आए हुए हैं, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ये पौधा बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, इस पौधे को प्रोपगेट करना भी बहुत ही आसान है। आप चाहें तो रूट डिवीजन मेथड से या फिर कटिंग मेथड से कैसे भी इस पौधे को प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इसे या तो आप इसे जड़ के साथ ही निकाल लें और फिर दूसरे किसी प्लांटर में, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लांटर रेडी करके रखा है और यहाँ पे छोटे छोटे कुछ कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं जिन्हें मुझे प्रोपगेट करना था। तो मैंने यहाँ पे जेड लगाया हुआ है, ये सीडम लगाया हुआ है, तो ऐसे ये डोंकी स्टेल, तो ये मैंने कुछ कुछ कटिंग्स इसमें लगा के रखी हैं। अब ये पूरा खाली है, इसको वही मैं सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। तो इसमें इसकी कटिंग्स हम निकाल के, रूट डिवीज़न हम नहीं करेंगे, हम इन पौधों को कट करके निकालेंगे। क्योंकि आप जितनी इसकी कटिंग निकालेंगे उतना ही इसमें और ब्रांचेस निकलेंगी, शूट्स निकलेंगे और ये और भर भर के आएगा, घना हो जाएगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं ये मैंने एक ऐसे ही तोड़ लिया इसे, और इसको मैं और तोड़ दूँगी और तोड़ के फिर इसके अंदर लगाएंगे। ऐसे ही मैंने एक कटिंग और निकाल ली है। तो ऐसे ही जैसे ये पौधा है इसमें ये देखिए मल्टीपल ब्रांचेस ऐसे ऐसे निकल के आ रही हैं। तो आप चाहें तो जैसे ये है इसको मैं यहाँ से कट करके या तो सीजर की मदद से या फिर मैंने तो इसको ऐसे ही तोड़ दिया। तो इसको आप इस तरह से तोड़ के निकाल लें, नहीं तो फिर जैसे ये सीजर है इसमें से ये काफ़ी लगी हो रहा है या फिर ये देखिए ये काफ़ी लंबा और होता जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कट करके निकाल दूँगी। तो ये निकल गया। तो ये तो मैं चाहूँ तो इसकी ब्रांचेस को भी अलग कर सकती हूँ, बट अभी मैं इसके ब्रांचेस नहीं अलग करूँगी, इसको मैं एज़ इट इज़ प्रोपगेट करूँगी। तो इस तरह से कहीं से भी आप इसमें से कटिंग वगैरह निकाल लें और उस कटिंग को फिर आप किसी भी मिट्टी में या किसी भी प्लांटर में, जो भी आपको पसंद आ रहा है किसी भी, या फिर अपने गार्डन में क्यारी में लगा लें। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आइए इसको लगाते हैं। तो ये जो हमारा पौधा है इसमें से हमने ये कुछ कटिंग्स निकाल ली हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इसकी जो ये पत्तियाँ हैं तो ये इसको मैं ऐसे निकाल दूँगी, ऐसे ही ये वाली भी है, इसकी जो नीचे की पत्तियाँ हैं इसको हम निकाल देंगे इस तरह से। अब ये जो पौधा है जैसे इसमें ये भी है, आप चाहें तो इसको भी तोड़ के निकाल सकते हैं, इसको भी तोड़ के लगा सकते हैं, पर मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे ही लगाते हैं। और ये काफ़ी लंबा है तो इसको मैं ऐसे तोड़ दूँगी और इसकी नीचे की ये पत्ती दोनों निकाल देंगे। तो आइए इसको लगाते हैं। तो पहले थोड़ा सा ऑलरेडी मिट्टी हमारी लूज़ ही है, थोड़ा सा लूज़ और कर लेंगे और फिर इन कटिंग्स को जैसे ऐसे मैं किनारे किनारे इस तरह से लगा दूंगी। ये है कटिंग, इसको मैं यहाँ लगा दूंगी। देखिए इसको लगाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है। आप इसको लगा देंगे थोड़े टाइम में ये भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप चाहें तो और कटिंग निकाल के कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसकी पत्ती हम ऐसे निकाल देंगे और इसको इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए अभी तक अभी हमारे ये प्लांटर थोड़ा खाली खाली दिख रहा था, बट अभी जब से हमने ये थोड़ा सा लगा दिया है तो इट इज़ लुकिंग सो नाइस, इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। इसमें ऑलरेडी छोटे छोटे हमने पौधे ऑलरेडी लगाए हुए हैं, पर
इसमें जब पत्तियां आने लग जाएंगी और इसमें से ब्रांचेस आने लग जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसकी इसमें जब फूल आ जाएंगे तो और सुंदर लगेगा। तो इस पौधे को मेंटेन करना बहुत ही आसान है, सक्कुलेंट फैमिली का है और बहुत ज़्यादा पानी वगैरह इसको देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी पूरी गीली है, तो अभी गीली मिट्टी है तो मुझे इसे 2 दिन तक पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने अभी नया पौधा लगाया तो थोड़ा सा मैं पानी स्प्रिंकल ज़रूर कर दूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी कि मिट्टी अगर थोड़ी ड्राई ड्राई लगेगी तभी मैं इसमें पानी दूँगी। तो इस पौधे को प्रोपगेट आपने देखा कि कितना आसान है, कितना सिंपल है, कहीं से भी कोई भी कटिंग निकालिए और यहाँ पर लगा दीजिए। तो इस तरह से आज हमने इस प्यारे से पौधे ट्राइडस केंशिया सिलामोंटेना के बारे में जाना। इसे वाइट गोजामर भी कहते हैं और इसके पत्ते, इसके फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी इसमें तो खैर नहीं है लेकिन यहाँ आप देख सकते हो ये फूल कितने प्यारे लगते हैं और इट्स लुकिंग वेरी नाइस। आप चाहें तो ऐसे सपोर्ट दे के भी रख सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही छोड़ दें, ये नीचे नीचे गिरता जाएगा, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये मैं अगले दिन सवेरे की वीडियो ले रही हूँ और हमने जो कल कटिंग लगाई थी अपनी ट्राइडस केंशिया सिलामोंटेना की वो अच्छे से चल गई है और इसमें आप देखिए फूल भी आ गए हैं एंड दिस फ्लावर्स आर लुकिंग सो प्रिटी, पूरे खिले हुए हैं। तो इस तरह से आप इस पौधे की बड़े आराम से कटिंग से या रूट डिविजन मेथड से कैसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू मेनटेन प्लांट है। सवेरे की गुनगुनी धूप है तो इसे मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ इसे हल्की फुल्की धूप मिलती रहे, लेकिन जैसे जैसे धूप होगी, आफ्टरनून होगा, तो वैसे वैसे यहाँ पे इस एरिया में छाया हो जाती है। तो इसे सवेरे की सनलाइट भी मिल रही है पर लेटर ऑन दोपहर की जो एकदम तेज़ वाली धूप होती है वो नहीं मिल रही है। अगर आप तेज़ धूप में रखेंगे, देखिए इसका पत्ता कैसा हो गया है, ये थोड़े टाइम पहले ऐसी लोकेशन पर रखा हुआ था जहाँ पर तेज़ धूप आती थी तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं पत्ते ख़राब हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसे धूप दें लेकिन थोड़ा सा फ़िल्टर धूप देंगे तो बेटर रहेगा।